तीसरा लक्षण है दम धर्म का। दम का अर्थ होता है अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। कोई अपना बुरा करे फिर भी अपन भला करो, यह है दम। आप कहोगे महाराज वाह, कोई हमारा घर जलाए और हम उसके घर पर पकवान भेजें कि थैंक यू वेरी मच, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, साधु अपनी साधता नहीं छोड़ता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। और हमारे दादा गुरु जी कभी कभी सुनाया करते थे, मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होय ना उजरो नो मन साबुन खाए। तो कोई आपका बुराक है, हमारी एक निजादत है, हम बागेश्वर धाम के पागलों से हमेशा बोलते रहते हैं और करके भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो आप लड़ना नहीं, आप जवाब मत देना, धीरे से सेम टू यू कह देना, झंझट खत्म। कोई अगर गाली बके के बागेश्वर वाले तो ऐसे वैसे दुनियादारी, तुम धीरे से कह देना सेम टू यू, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का काम कहना है, अपना अपकार करने वाले का भी अगर तुम उपकार करोगे, धन्यवाद दोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो नतमस्तक हो जाएगा। ये धर्म का तीसरा लक्षण है दम। धर्म का चौथा लक्षण क्या है? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, केवल पैसा संपत्ति सोना चांदी चुराना चोरी नहीं है, भगवान का भजन ना करना भी मानव तन की एक चोरी है। भगवान की कथा ना सुनना भी एक चोरी है। इस चोरी से बचना है तो बीच बीच में गोविंद के गुणानुवादों को सुनते रहो। अगर ऐसा करते रहोगे तो चौथा लक्षण आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अस्तेय। अगर नहीं किया तो पांचवा लक्षण है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। अच्छा, पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम गंगा जल से स्नान कर लो बढ़िया, साबुन लगा लो, वीआईपी वारो, शैंपू डाल लो बढ़िया, धोले भाई कपड़ा पहन लो, ये पवित्रता। एक होती बाहिक पवित्रता, एक होती अंदर की पवित्रता। बाहर कितनी भी मलिनता बनी रहे, अंदर हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय की पवित्रता ही राम जी देखते हैं। हम लोग इतने काम चोर हैं कि बाहर तो खूब मलमल के साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के स्नान करी, और भीतर इतनो करिया धरो रात, इतनो करिया धरो रात। अच्छा, बड़ी बात यह है, बाहर की पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के साबुन बन गए, भीतर की स्वच्छता के लिए एक ही साबुन है, वो है झूठ ना बोलना और भगवान का भजन, और कोई डिटर्जेंट नहीं। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। तो हम लोग बाहर की पवित्रता पर बड़ा ध्यान देते हैं, भीतर की स्वच्छता पर। छठवां लक्षण है धर्म का इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रियां हैं, भगवान ने जो हमें इंद्रिय दी, कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये भगवान ने हमें खाने पीने के लिए और पिक्चर देखने के लिए नहीं दी। भगवान ने आंखें इसलिए नहीं दी कि तुम सिनेमा हॉल जाओ बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखो। कान इसलिए नहीं दी कि फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए गाना सुनो, ना 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 ना। मुंह गाली बकले के लिए नहीं दी। फिर कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, जीभ क्यों? पानी पूरी खाने के लिए मुंह नहीं दिया है कि तुम रोज पानी पूरी के चटकारे लगाओ, ना ना जा। भगवान ने जीभ दी है, जीभ दई भज मोहन को। अच्छा, हाथ किस लिए दिए?
गाड़ी चलाने के लिए पीप पीप ना 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 हाँ दान के काज दिए दो हाथ सो, दान के लिए लोगों की मदद करो, दीनहीन की सेवा करो, माता पिता के चरणों की सेवा करो, अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करो, अपने श्रेष्ठ जनों की चरणों की सेवा करो। दान के काज दिए दो हाथ सो, पांव दिए तीर्थ घूमन को। भगवान ने ये जो पैर दे तुम्हें शिमला घूमने नहीं दे के, तुम ऊटी शिमला मनाली की टिकट कटवाओ, कट जाओ ठटरी के भरे। भगवान ने आपको ये जो चरण दिए, तीर्थ घूमन को, संतों के यहां जाओ, कथाओं में जाओ, तीर्थ में वृंदावन जाकर के ब्रज की परिक्रमा करो, बागेश्वर धाम जाकर परिक्रमा करो, कामतानाथ भगवान श्री चित्रकूट धाम जाकर के परिक्रमा करो। यह इंद्रियों का सदुपयोग है। क्या है? सदुपयोग। और जो व्यक्ति इंद्रियों की सदुपयोगता के बिना ही मर जाता है, वो लौट करके फिर मानव तन नहीं पाता। गोस्वामी जी लिखते हैं मनुष्य तन के लिए, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, भगवान की जय। तो भगवान ने जो मनुष्य तन दिया, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन पाकर के अगर आपने इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ गया। दो कौड़ी की जिंदगी आपने जी,